शूद्राधिकरण में रामजी ने सूत्र दिया था, श्रवणादि प्रतिषेध होने से श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात् निर्देश। श्रवणादि का प्रतिषेध भी कारण है कि चतुर्थ वर्ण को वेद में अधिकार नहीं है ये सिद्ध करने के लिए। विषय में जितने प्रतिषेध वाक्य थे उस पर कुछ विचार चल रहा था। यहां प्रतिषेध का अर्थ जिसको जो करने का विधान नहीं है वो यदि उसका आचरण करें तो उसके लिए वो पाप होता है। पाप होने का मतलब अपने स्तर से गिर जाता है। भाष्यकार आगे भाष्य में कहेंगे कि धर्म का अर्थ ये होता है जो जिसके प्रति विधान किया जाता है वो उसके लिए धर्म होता है। ऐसा नहीं कि कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, करने में सामर्थ्य है तो वो उसके लिए अच्छा हो गया, उसके लिए धर्म हो गया, ऐसा नहीं होता। और अच्छा बोलने से, सही बोलने से ये भी विधान के अंतर्गत होता है। आपको स्वयं को अच्छा लगे तो सब कुछ अच्छा होना, ऐसा नहीं होना। अच्छा होने पर भी वो कर्तव्य के रूप में विदित होना चाहिए, विहित होना चाहिए। यो ही यम प्रति विधीयते सतस्य धर्मः नहि येन सु अनुष्ठातुं शक्यते। इस बाद में चतुर्थ अध्याय में भाष्य कहेंगे धर्म की क्या व्याख्या है कि जो जिसके प्रति विधान किया गया वेद में वो धर्म होता है, न कि सु अनुष्ठातुं शक्यते जो अपने आप अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता अथवा अनुष्ठान करना अच्छा लगता है। आजकल लोग यही सोचते हैं कि हमें अच्छा लगता है तो हम कर लेंगे। ये वेद की परंपरा नहीं है, आपको अच्छा लगे ना लगे ये बात तो अलग है कि कई चीज आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए अहित होता है और बाद में नष्ट हो जाते हैं, स्वयं को आप नष्ट करते हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ कार्य करने पर आप के जो आपको प्राप्त करना चाहिए लक्ष्य वो प्राप्त नहीं होता और जिस समय जो अच्छा लगता है उसको ही आचरण करते जाएंगे तो आप यदि सही रास्ते पे नहीं है तो आगे जाकर के वो जो कुछ प्राप्त किया सारे नष्ट भी होते। तो वेद का यही उद्देश्य हमने बताया, जो हमारी परंपरा हमारी संस्कृति का यही उद्देश्य है कि सभी को चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए और जिसको जो योग्यता प्राप्त है, कर्तव्य प्राप्त है, उसके अनुसार कर्तव्य कर्मों को आचरणों को करते हुए सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए और जो भी आप करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होने वाला हो जाए, एक विशेष होता है। इसलिए भाष्यकार वहां कहते हैं स्व अनुष्ठान शक्यते, अब इस समय आप सही ढंग से कर सकते हैं आपको अच्छा लगता है उसका कोई तात्पर्य नहीं, जो आप कर रहे हैं वो हमेशा रहने वाला होना चाहिए। थोड़ा भी किया तो उसका फल भविष्य में दीर्घकालीन फल होना चाहिए, ये उद्देश्य साथ का रहता है। इसलिए जैसे बचपन में स्कूल जाना, पढ़ाई करना इत्यादि बच्चे को अच्छा नहीं लगता, वो खेलना कूदना अपने टाइम पास करना बच्चे को अच्छा लगता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसको उसी में लगाना चाहिए। कैसे लगेगा तो आगे जाकर उसको कुछ
फल नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस समय आपके अज्ञान के कारण आपको जो अच्छा लगता है वो आपका अहित तो हो सकता है, तो उसके लिए आपको शास्त्र का शरण लेना चाहिए कि मेरे लिए वास्तव में हिततम क्या है, सबसे उत्तम क्या है। आचार्यों को पूछना चाहिए, गुरुओं को पूछना चाहिए, माता पिताओं को मार्गदर्शन लेना चाहिए समय समय पर, जिन जिन विषयों का ज्ञान जिनके पास है उनके अनुसार लेना चाहिए, तब वो नित्य होता है। इसी को शास्त्र का मूल यानी कर्तव्य कर्म के पीछे जो मूल तत्व है, मूल आशय है, ये यह है जो आप करते हैं वो कभी नष्ट ना होता, इसलिए आपको अच्छा करने के लिए बोलते हैं। भगवद गीता में है जैसे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते मम दोषः, आप थोड़ा भी करते हैं वो नष्ट नहीं होता है। ये बहुत बड़े समुद्र स्थानीय दृष्टांत दिया, करते करते उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, वहां सब कुछ प्राप्त होता है। इसी आधार पर सारी व्यवस्था दी है, इस पर हम बोल रहे थे। और अब जब सृष्टि हुई, सृष्टि में अनेक प्रकार के विभाजन हुए, सृष्टि को चलाने के लिए उन विभाजनों की आवश्यकता होती है, इसके कारण विभाजन हुए। विभाजन होने के बाद में वहां जब अपराध बढ़ गया, आपस में राग द्वेष बढ़ गया, त्रिगुणों में सत्व कमजोर हो गए, रजस और तमस की अभिवृद्धि हो गई, अब उस स्थिति में वहां नियंत्रण की आवश्यकता होती, तो उस नियंत्रण के लिए वहां व्यवस्था बनाई गई, नियम बनाया गया, जिसको शास्त्रीय भाषा में जैसे कल्पसूत्र स्मृति आदि कहते हैं, तो उसका नियम बनाया गया, नियम के अनुसार आप जीना चाहिए, जिसको हम संविधान कहते हैं। ऐसा नियम बनाते समय तो नियम को चलाने के लिए कुछ वर्ग को आदेश दे दिया, उनको उसी का दायित्व तो दिया, तो नियम कानून को चला रहे जिससे कि सबको फायदा हो, सब सुरक्षित हो, सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। ऐसा करके वेद काल में से लेकर हम विचार किए, वेद काल के बाद में फिर जब कल्पसूत्र आदि के समय है, और उसके बाद महाभारत का कह सकते हैं, महाभारत के बाद में हमारे अर्थशास्त्र का जो समय है, विष्णुगुप्त आदि का समय, ऐसा हम देखते हैं तो परिवर्तन होता गया, केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में देखने पर ऐसा होता, तो नियम भी बदलते गए। ऐसे बदल के वो नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए दंड नीति का भी विधान किया। कल हमने ये कहा था, यहां देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है कि वेद में सीधा दंड नीति का कोई विधान नहीं मिलता, ऐसा दंड दे दो नहीं का, क्योंकि दंड नीति राजनीति के अंतर्गत है और राजनीति धर्म के अंतर्गत है। धर्म का विधान तो वेद करता है और बाकी का विधान बाद में समय समय पर बदलता जाता है। उसके लिए जैसे हमारे संविधान और संविधान के का आधार पर जो कानून बनते हैं, और जो पुलिस आदि के लिए जो कानून बनते हैं, और जिससे अपराध को रोकने के लिए अनेक अनेक प्रकार के वहाँ कानून बनते हैं, और वो अलग अलग होता है, उसका समय समय पर परिवर्तन होता है, तो ये दोनों विभाग को जान करके आप ये दंड नीति को समझ सकते हैं। तो उस नीति के अनुसार सबसे पुरातन यानी पूरे विश्व में सबसे पुरातन संविधान है मनुस्मृति का, मनुस्मृति को सबसे पुरातन संविधान मानते कि राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसको कैसा रखना चाहिए, सारा उन्होंने विस्तार से बताया। और जो हमारे भारत में संविधान बने हैं, जब पहले भी जिन शासकों ने, मुगलों ने, ब्रिटिशों ने जो भी चलाया,
यद्यपि उन्होंने सीधा तो कोई स्मृति का इत्यादि का आधार नहीं लिया, फिर भी यहाँ के लोग विवाद को लेकर के वो चले, क्योंकि एकदम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसके कारण कुछ विचारों को लेकर के चले और उसका कुछ अच्छा परिणाम भी हुआ और ज्यादा बुरा परिणाम हुआ। ऐसे होते होते वो परिवर्तन होके जब आजादी मिलने के बाद में फिर संविधान 1950 में बने और उसके बाद फिर अभी उसी के आधार पर चलता। तो अभी हमारे लिए नीति, भारतवासी के लिए, देशवासी के लिए नीति क्या है पूछने पर, अभी नीति संविधान ही, हमारा संविधान ही नीति है, राजनीति में हुई है और कोई स्मृति है उसी का आधार पर चलेंगे। और कोई आप कुछ भी बोलेंगे तो कोई मानेंगे नहीं, उसका कोई न्याय युक्ति नहीं होता, कोर्ट में जो चलता है वही होता, इसके द्वारा निर्णय होता। तो जो हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी है, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर ये बनाने के पहले उन्होंने पूरी स्टडी किया है, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सब कुछ समझा और पूर्व परिस्थितियों को, उत्तर परिस्थितियों को, सारे को समझा, समझने के बाद में बनाया संविधान की रूपरेखा तैयार। तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन भी रहा और कुछ मूलभूत सांस्कारिक बातों को ध्यान में भी रखा, बिल्कुल अलग से नहीं बनाए। इसके कारण अभी इतने साल से भी वो चल रहा है, सभी लोग मान्यता दे दे चल रहा है। कुछ लोग विरोध भी करते, किसी को जो बातें अच्छी नहीं लगती विरोध करते, और विरोध तो सभी काल में रहेंगे, विरोध तो नहीं हो सकता। उसमें विशेष बात ये देखी गई कि सभी को स्थान दिया जाए, कोई सिद्धांतों को लेकर के भेद नहीं माना और वर्ण विभाग का भेद को लेकर के कोई कार्य विशेष का ऐसा विधान नहीं, और उच्च नीच भाव को हटाने की कोशिश उसमें है, सभी को साथ में रहने का, सभी का समान अधिकार देने का, सभी का समान न्याय देने का, इत्यादि आप जानते हैं मूलभूत जो बातें। इसमें वो उसी से अनुसार चला। अब धर्म का भी स्थान दिया, धर्म का स्थान ऐसा दिया कि धर्म का जो, धर्म की जो परंपरा है उन परंपराओं को ऐसा ही मान लिया जाए, उसके विरुद्ध में सरकार कोई आचरण नहीं करेगी, उनको कोई धर्म आचरण को भंग नहीं करेगी, लेकिन धर्म आचरण के आधार पर कोई न्याय निर्णय नहीं होगा। ये वो धर्म आचार्यों का दायित्व रहेगा, वो धर्म का पैसा चलाना चाहते हैं, तत्त मतावलियों अवलंबियों का धर्म वो तत्त आचार्यों के द्वारा चलायमान होगा, उसमें विशेष कुछ प्रावधान इस प्रकार चल रहा है। इसीलिए सभी लोग अपने अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, उसको कोई विरोध नहीं कर सकता है, विरोध करने पर उसके लिए कार्यवाही होती, इस प्रकार की व्यवस्था। किंतु यह धर्म को पालन नहीं करने पर, नहीं पालन करने पर, या पालन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करने पर कोई कार्रवाई का विधान नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है जो धर्म के संबंध में। अब वो कार्रवाई कौन किसको करना चाहिए, वो धर्म का अवलंबन करना, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो मतावलंबी है वो उनको करना चाहिए, उनके आचार्यों का दायित्व है। अब ऐसे में हमारे यहाँ हिंदू धर्म तो है, हिंदू धर्म का आचरण आप कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, अपने धर्म आचरण को करने में आपकी पूरी स्वतंत्रता है, कोई कुछ पूछ नहीं सकते, सब कुछ है, लेकिन इसको कोई गलत आचरण करें या परिवर्तित करें या इसकी कोई निंदा करें या कोई भी दोष हानि इसको पहुंचाए, उसके लिए कोई दंड विधान धर्म के विषय में नहीं। आप किसी को पिटाई करेंगे तो पिटाई करने पर वो मिल जाएगा, उसका दंड मिलेगा, किंतु धर्म के बारे में ऐसा किसी ने बोला, धर्म को अपमानना की,
जो धर्म का आचरण नहीं किया इसका कोई दंड विधान ये क्यों नहीं होने से क्या हानि है। अब वो संविधान का ये कहना है कि आप धर्माचरण के अनुसार जो है वो आचार्य उन लोग जैसा बोलेंगे वैसा करें। अब वो जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए बोलते हैं लेकिन जैसा बोलने पर वैसा करते नहीं है, करते नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना आप पिटाई करके दंड दे करके उनको धर्माचरण में लगा नहीं सकते, लगाएगा तो आपके ऊपर केस करेगा तो आप जेल जाएगा, आप धर्माचार्य है करके आपको जेल से बाहर नहीं रखा जाए, कितने सारे धर्माचार्य जेल में पड़ेंगे वो हो जाता क्योंकि उस समय आप एक नागरिक ही हो जाते। समझ रहे ना दोनों में वैरुध्य क्या है, एक तो कह दिया आपको चलाओ बोल दिया, चलाओ बोलने के बाद में यदि नहीं चलता है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो करेंगे तो वो जुर्म माना जाए, ये स्थिति है। इसीलिए अलग अलग धर्मियों ने अलग अलग मतावलंबियों ने अपने अपने ढंग से वो व्यवस्था बनाई, उन्होंने दंड नीति किया, फिर आपस में जो भी हो रहा है जो भी कभी हो रहा है इसके कारण हो रहा है, क्योंकि वो जिसको भी दंड देते दंड का अलग होता है, आप दंड नहीं दे सकते, दंड देने का विधान तो संविधान क्या दंड नीति में आए, वो जो केस लगेगा केस के अनुसार धारा लगेगी उसी के अनुसार आपको होगा, आप दंड नहीं दे सकते। आप दंड नहीं दे सकते तो मतलब क्या हुआ, अब जब दंड के लिए जाएंगे तो वो धर्म के अनुसार नहीं होगा, आपने धर्म को कलंकित किया इसलिए दंड हो रहा है ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई केस होता ही नहीं। आप FIR दर्ज नहीं कर सकते कि हमारे धर्म को उन्होंने कलंकित किया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपमान किया है कोई, आपको कोई गाली दिया तो आपको अपमान के लिए वो केस होता, उसके लिए कोर्ट में चले, लेकिन ये विशेष करके तो ये एक स्थिति है, ये विशेषता है। लेकिन इसको ध्यान में रखा कि क्या हमारे संस्कार में यहाँ भारत में चलता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि ये जो अभी हमारा जो भी संविधान जो भी चल रहा है ये बिल्कुल अलग ही है, इससे हमारा इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे कहते हैं जो गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ इसमें लिया हुआ है और सबको साथ में लेने का ये जो संविधान का मूलभूत सिद्धांतों में है आदर्श है तो उसी के आधार पर वो चलता है। और मनुस्मृति को, मनुस्मृति के बारे में या हमारे पूर्व जो सबसे जो पुरातन संविधान है उसके बारे में हमारे जो संविधान की वर्तमान संविधान की जो स्थिति है उनका क्या विचार है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उसका अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में उसका क्या दोष है वो भी उन्होंने देखा। इसलिए जब मूलभूत जब संविधान बने थे उसमें सेकुलरिज्म नहीं था, सेकुलरिज्म तो बाद में जोड़ दिया, बाद में उसको परिवर्तित किया, हमारे संविधान के नाम को ही परिवर्तित किया, तो वो करने के बाद में फिर बदला, तो ऐसे सब बहुत कुछ हुआ। ये बहुत लंबी बात है, उसकी हिस्ट्री और फिर उसके दीदी सब देखेंगे, लेकिन उन्होंने मनु के बारे में और उनके जो नीतियों के बारे में क्या कहा ये मैं सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो संबंध दिखाने के लिए ऐसा होता हुआ तो उसी के आधार पर रखा और जो कमी है यही कमी है कि धर्म के लिए हमें धर्म ग्रंथों का आश्रय लेना पड़े। अब ये वर्ण व्यवस्था हो या कोई और व्यवस्था ये धर्म के आधार पर चलता है, लेकिन उसी के आधार पर चल रहे जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपने अनुसूचित और जनजाति इत्यादि बना दिया, मतलब जो आर्टिकल अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक जो अनुच्छेद बने हैं ये सब अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के, और 244 और 244 ये दो है वो अनुसूचित जाति जनजाति जो वन में रहते हैं उनका देश का कैसा उनका स्थान का निश्चय कैसे करना है उसके विशेष प्रावधान इसके दिया है। मन क्या है ये तो आप वर्ण व्यवस्था को माने बिना ये तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो ऐसा कैसे आप निश्चय करेंगे ये ऐसा है ऐसा निश्चय नहीं करते, कोई आगे है कोई पीछे है संपत्ति को लेकर के निश्चय करते वो तो हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है, उसमें तो वर्ण की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये जो आपने बनाया
ये व्यवस्था जो पिछड़ा वर्ग मान करके जो कर रहे हैं वो अलग चीज है, पिछड़ा वर्ग अलग होता है, कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था अलग होती है, और जो न्यून वर्ग जो होते हैं वर्ग की दृष्टि से अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं, अल्पसंख्यक वो अलग होता है, अलग अलग इससे बनाया, अल्पसंख्यक बनाया धर्म के जो धर्माचरण करते हैं उसमें जहाँ कम संख्या में लोग रहते हैं ज्यादा संख्या में रहते हैं इसको लेकर के है वो अनुसूचित जाति जनजाति से उसका कोई संबंध नहीं है। और यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति का संबंध है ये तो वर्ण को लेके ही माना, मानी जन्म को लेकर के जो वर्ण मिलता है उसको उसके आधार पर माना, तभी तो हमारा स्कूल आदि में जब जाते हैं तो ही लिखते हैं। और इसलिए आप गरीब होने पर भी यदि उच्च वर्ण का है आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग जो भी अनुसूचित जाति के है उनके पास सब कुछ धन संपत्ति है सब बढ़िया है तब भी आपको जीवन भर वो आरक्षण मिलता है। तो अब ये सब व्यवस्था है आप जानते हैं, तो वो धर्म के आधार पर किया, अब वो आधार पर किया तो अब उसके लिए कोई जवाब कौन देगा। अब विभाजन तो आपने कर दिया, विभाजन करने के बाद में धर्म के आधार पर ही गया है तो उसको नहीं मानते हुए किया है क्या? नहीं मानते हुए नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। तो आपने जन्म से माना, इतने अंश में लिया, और उसकी व्यवस्था कौन बना रहे हैं? व्यवस्था वो नहीं बनाएंगे, व्यवस्था बनाने का अधिकार तो धर्माचार्यों को, अब वो धर्माचार्य बोलेंगे तो ये सुनेंगे, तो धर्माचार्यों को भी चुप बैठना पड़ेगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो फिर वो विभाजन हो जाएगा। और हमारे मूलभूत सिद्धांतों में ये रखा है कोई भी धर्म कोई भी मत कोई भी वर्ण इसके खिलाफ आप या मैंने उसको नहीं मानते हुए कुछ भी कहेंगे ये जुर्म होता है उसका दंड लगेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, पब्लिकली नहीं बोल सकते, कोई भी राजनेता ऐसा नहीं बोल सकते, से नहीं बोल सकते, ये भी रखा है। अब यहाँ भी तालमेल नहीं है, इसके कारण ये जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स हो रहा है ऊपर नीचे जो भी लोग समझ रहे हैं और गलत फहमियां हो रहे हैं, बहुत सारी गलत फहमियां है, ये सब ऐसा हो रहा है, एक तरफ माना भी है दूसरी तरफ नहीं माना। अभी कहीं भी जाएंगे आपके अपनी जाति दिखाने के लिए आप क्या बोलते हैं, आप जाति सर्टिफिकेट लाते हैं तो अभी भी वही चलता है, तो जाति का सर्टिफिकेट किस आधार पर ला रहे हैं? आदमी होने यानी नागरिक होने के नाते पर नहीं है ना, आपके जन्म के आधार पर ही लाना पड़ रहा है। अब जन्म के आधार पर आपको इस विशेष जाति का कौन बनाया, किसने बनाया? वो संविधान तो नहीं बनाया, किसने बनाया? वो पहले धर्म का बनाया हुआ मनु आदि के द्वारा जो व्यवहार मयूर आदि को प्रमाण मानते हैं उसी के द्वारा बनाया हुआ, वो बनाया हुआ को आप मान रहे हैं और उसको कुछ उसमें कोई दोष आता है उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसको आप नहीं मानते, तब कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए क्या हुआ कि जो उच्च वर्ण के भी है जैसे हमने कल भी दृष्टांत कई बार दिया, वो भी अपने कई किसी प्रकार से गोलमाल करके अपने नाम को परिवर्तन करके जाति को परिवर्तन करके फायदा लेना चाहते, वो फायदा वहां मुख्य हो गया। ये एक व्यवस्था ये है, इसीलिए इतने साल होने के बावजूद भी जो सिद्धांत मूल सिद्धांत हम बोल रहे हैं तो भी वो नहीं गया, नहीं जा सके, क्योंकि आपने विभाजन करके रखा। करना ये चाहिए था कि जिसकी जैसी योग्यता सबको अध्ययन करा दे अध्यापन करा दे सबको, हरेक नागरिक को हरेक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए सारे सुविधा आप करें, समान रूप से सुविधा करें जैसा अभी चलता है, समान रूप से सुविधा सबको प्राप्त है। करने के बाद में जो योग्य बनकर के आगे आता है उसके लिए विशेष मदद दी जाए, दे करके उनको आगे बढ़ा दिया जाए, तब तो सिस्टम चलेगा, जो योग्य बनेगा उसको हो जाए। जैसे आप क्यू शादी में जाते हैं प्रश्न उत्तर में जाते हैं, वो कैसे आप आगे बढ़ते हैं? यदि आप प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं अच्छे उत्तर देते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नहीं होता। भौज में जाते हैं तो कैसे आप आगे बढ़ते, आपके पास योग्यता है सब कुछ व्यवस्था ठीक है तो आप आगे बढ़ते, ये ठीक है क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन बाकी करने पर वो विभाजन को मानना पड़ेगा, और ये समाज का नियम है, बिना विभाजन मान के कुछ चल नहीं सकता,
न यहाँ का और न कहीं का विभाजन तो ये न के न प्रकार आपको माना। अब इसमें जो दोष था उसको ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो जान करके उसके विषय में उन्होंने ये कहा, मनु के बारे में कहा क्या कहते हैं, मनु महान विद्वान था, एक वजन है, अलग अलग जगह से लिया हुआ है, ये सारे जो भी हम कह रहे हैं ये अम्बेडकर के वाग्मय करके कई खंडों में निकला है, अम्बेडकर वाग्मय नाम से है, उसमें खंड सात का ये वचन है, खंड सात में 150 आदि पृष्ठ संख्या आप जैसा उसमें देखेंगे, मनु महाविद्वान था, एक वजन का मैंने उन्होंने उसका स्वभाव जो भी है उसका स्वीकार किया। और फिर मनु के बारे में उनका जो समझ है उसके लिए बोलते हैं, मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए, ये सभी उसी खंड में है, अम्बेडकर वाङ्मय के खंड सात। तो मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ये का इसका मतलब धर्म के विषय में हम कुछ नहीं कहते। अभी जैसा हमने बताया कि वो अनुसूचित जाति जनजाति को हमने इसमें शामिल तो किया, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का जो जन्म निश्चय है वो तो परंपरा से मानना पड़ेगा, और वो परंपरा से जाके जब आप स्कूल में पहले रजिस्ट्रेशन करते या पहले भी ये जब जनगणना होती है तो जनगणना के अंतर्गत तो सबको मालूम रहता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट के रूप में और एक प्रमाण के रूप में तब लाया जाता है, क्योंकि उसके बाद में सारी व्यवस्था में आपको मदद मिलती है, तो उसके लिए वो धर्म के बारे में स्वीकार करना चाहिए। तो क्या है, पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं मनु ने जाति के विधान का निर्माण भी किया। कई लोग आरोप लगाते कि मनु जो है ये जाति को बनाया, इसीलिए मैंने आपको वो स्टोरी पूरा इतिहास सुनाया था कि मनु का कुछ नहीं है, मनु ने व्यवस्था बनाने के लिए संविधान बना। अभी जैसे संविधान में जो भी कुछ बनाया है हमें पूरा संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान को मान करके चलना पड़ेगा, संविधान के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसको दंडित किया जाए, संविधान के खिलाफ कुछ भी कर्म करेगा तो वो राजद्रोह के अंतर्गत आपको दंडित किया जाए। जैसे हमारे जो देश के जो जिंदा है जो चिन्ह है इसको सब अनादर नहीं कर सकते, ऐसे ही संविधान को अनादर नहीं कर सकते, अनादर करेंगे तो दंडित किया जाता है। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था पहले राजाओं के जमाने में भी यही रहा, ये संविधान था कौन, मनुस्मृति आदि मनुस्मृति याज्ञवल के स्मृति तत्त्व काल में अनेक स्मृतियां, उसका तो बहुत विस्तार है कौन सा काल में है, महाभारत काल में सब अलग अलग था, नीति शुक्र नीति है, ये सब इन नीति ग्रंथों में जो कहा गया उसको यदि उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाता। जैसे अभी संविधान को ऊपर कोई बोलेगा तो उनको दंडित करते, हर जगह केवल यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही, हर जगह हर दुनिया में हर जगह ऐसा, सबका अपना अपना संविधान है, अपना नियम कानून है, अपने या झंडा आदि है जिसको देश का जो है चिन्ह मानते हैं, ऐसे चिन्हों को यदि आदान अनादर करते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं दंडित किया जाता, ऐसा इधर भी दंड होता था। अब इसमें अंदर क्या है, कोई अंदर नहीं है, तो वो जो व्यवस्था बनी हुई थी उन्होंने उसको तैयार किया, जैसे संविधान जो तैयार करने वालों ने कैसे तैयार किया, जो व्यवस्था जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो कुछ चल रहे थे उसके आधार पर उन्होंने विभाजन मान लिया, मान करके उसी को स्वीकार करके इसमें देना पड़ा, उसके बिना कैसे चलेगा, एकदम आप छोड़ नहीं सकते। और जहां वो व्यवस्थाएं नहीं थी जैसे पाश्चात्य राज्यों में ऐसे उनको स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, वहां भी है, उनके वहां भी है, हमने पहले सुना है आपको कुछ व्यवस्था है लेकिन इतने स्पष्ट नहीं थी, इसके कारण उनको वैसा कोई जरूरत नहीं, फिर भी वहां भी है, वहां भी काले वाले अलग और सफेद वाले अलग, लाल वाले अलग, ये वाले अलग, वो वाले अलग, सब झगड़ा अभी भी होता रहता, मारपीट होता रहता, और उसके खिलाफ कानून भी बना, तो ये व्यवस्था। तो ये बोलते हैं कि जाति को बनाने वाले बल नहीं तो पहले से है, उसको मान करके उन्होंने व्यवस्था दी, देखो ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा नहीं करना,
ऐसा करने पर फल होगा, ऐसा करने पर आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपको जाना है मोक्ष तक। आप कहीं का कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको अंत में परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करना है। इस क्रम से आप जाते रहेंगे तो आप आराम से उसको प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने बोला आपके द्वारा किया गया एक कर्म भी नष्ट नहीं होना चाहिए, एक कर्म का फल भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से वहां जाना है तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा। इतनी उन्होंने व्यवस्था दी, यही शास्त्र की व्यवस्था है, ये दंड विधि के अंतर्गत आता है, इसीलिए आपको डर लगता है। अभी दंड विधि जहां भी हो ना, कोई चीज जो दंड विधि है वो पढ़ने से आपको डर लगेगा, और इतने सारे आपको लगेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा, तो इतने कितने दंड दिए। तो पुलिस वाले को लेकर के चोर लोग डरते, क्यों डरते? वो दंड निधि से डरते, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। और अभी कहते हैं कि जाति वर्ण का विकृत रूप है, ये इनका वचन है। जाति और ये जो जाति की अभी जो प्रथा चल रही है, और जो छुआछूत इत्यादि करके अपने आपस में लड़ाई करते, ये करते वो करते, ये वर्ण व्यवस्था जो बिल्कुल सही थी, जो अच्छी व्यवस्था थी, उसको विकृत कर दिया। कैसे विकृत कर दिया? यह विपरीत दिशा में प्रसार हुआ, एक विपरीत दिशा के ओर चले। इस उद्देश्य से उसको बनाया गया था, कर्म की व्यवस्था करने के लिए, सबको सब कुछ प्राप्त करने के लिए, समाज में शांति समाधान और परस्पर समान सम्मान सब बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था बनाई थी, लेकिन उसको गलत प्रसार दिया, गलत प्रसार। और जातपात ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह विकृत कर दिया, ये उनका वचन है। ये हुआ, अब ये विकृत करने का कारण क्या हुआ, ये मैंने बताया। विकृत करने का कारण है, महाभारत काल से ही, उसके पहले भी ले लीजिए, अलग अलग कारण है। बीच में जैसा भी मुगलों का राज आ गया, ब्रिटिशों का राज आ गया, सब आकर अपने अपने किया, इसको कोई ध्यान नहीं दिया, और झगड़ा होते रहे, और बुद्धिज्म जैनिज्म चलते समय वहां कुछ और चलता रहा, इस प्रकार से होता रहा, इसके कारण ये विकृत हो गया, विकृत हो गया, सब कुछ हाथ से बाहर गया। अब राज्य राजाओं का जो शासन समाप्त हो गया, तो कोई इस पर कुछ भी बोलने के लिए कहने के लिए तत्पर नहीं है, क्यों जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बस ऐसा हुआ, इसीलिए वो विकृत हो गया। ये भी उसी में अम्बेडकर वाग्मय के खंड एक में है, ये जो वचन बोला खंड एक का। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत के मूल रूप से भिन्न है, ये स्पष्ट बोलते हैं, जिसको हमने पहले आपको समझाया। ये दोनों का जो आधारभूत है, जाति तो जन्म से मान्य है, तो जाति का आधारभूत सिद्धांत तो जिस में जन्म लिया वो होता है, और वर्ण का आधारभूत सिद्धांत तो कर्म व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर है, और सबको सार पुरुषार्थ प्राप्त करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो अब जो है एक वर्ण के अंदर अनेक जातियां आती है, एक वर्ण के अंदर अनेक जाति आती है, उसके समान रूप से उसको एक वर्ण कहा है, तो कर्म के अनुसार होगा। जाति के अनुसार आपको क्या कर्म होता है? जाति के अनुसार नहीं, वर्ण के अनुसार कर्म की व्यवस्था है, ये करना है, ये अमुक अमुक वर्ण को करना है। जाति के अनुसार गोत्र का संबंध होता है, गोत्र के संबंध से जो भी थोड़ा बहुत कर्म का इधर उधर होगा तो उतना ही होता है, बाकी ये आप शर्मा हो या त्रिपाठी हो या वर्मा हो या कोई भी हो, राणा हो, ये भी कोई भी हो, तो वो उतना नाम से नहीं होता है, आप उस वर्ण में आ गया तो उस वर्ण के अनुसार कार्य होता है, इसको स्पष्ट जानना चाहिए। यही बात कह रहे दोनों का अलग अलग है, बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी। इस प्रकार दोनों परस्पर विरोधी हो गया, एक तो इससे मान रहा और दूसरा वर्ण से मान। जाति अभी भी जिंदा है, जाति का कुछ नहीं हुआ, जाति को सब लोग मानते, हमने पीछे लिखे नहीं लिखे, लेकिन वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, वर्ण व्यवस्था का कुछ आधार नहीं है। वर्ण व्यवस्था में अभी ब्राह्मणों को भौज में नहीं जाना चाहिए था, अब जितने सारे भौज है तो सारे, और सारे क्षत्रियों को राज्य शासन या मैंने काम करने का आइए सब ब्राह्मणों का मिलना चाहिए था, वो नहीं। ब्राह्मणों को पूजा पाठ करके भिक्षा लेकर के जो है वेद पाठ करते हुए, यजन यादन करते हुए
जो भी अध्ययन अध्यापन आदि उनका जो धर्म बोला है वो करते हुए करना था, मतलब अध्ययन अध्यापन का कार्य उनको सौंपना था, बाकी सब पद उनको खाली करना था। ऐसा हो रहा है क्या? कुछ नहीं है। नौकरी के लिए तो, पैसा कमाने के लिए तो वहां कोई वर्ण की चिंता, कुछ जाति की चिंता नहीं करते हैं, केवल पैसे की चिंता करते हैं। वो सब कुछ छोड़ करके चला जाता है और बाद में आप पूछेंगे हम ब्राह्मण है कहीं, और कहने के लिए है तुम ब्राह्मण होता हुआ क्यों, तुम ब्राह्मण का धर्म तो करने नहीं रहा, ये है बिगड़ा हुआ। जाति का काम आता है, जैसे विवाह आदि के समय में वो दे करके थोड़ा बहुत उसमें काम आता है, बाकी तो उसका कोई काम नहीं, इससे कोई वर्ण को फिर भी संविधान के अनुसार माना है, जो अनुसूचित जाति जनजाति जो कर रहे हैं तो ये तो उसी का अंतर्गत दे करके करते, उसके अंदर भी कई विभाग है। अब जो अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है उसके अंतर्गत बहुत कुछ बातें बताई है, कैसे कैसे होना चाहिए, उनकी व्यवस्था क्या है। और आगे कहते हैं वर्ण और जाति के दो अलग अलग धारणाएं, ये जो हमने पहले आपको बताया, ये दोनों अलग अलग कारण है, अलग अलग प्रकार से बने हुए, जन्म से मानना वो जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के कर्म के व्यवस्था मानना, अलग अलग धारणा, ये भी कोई प्रथम खंड में है ये बात। कुछ लोगों ने वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके जो उत्कृष्ट था उसे उपहास प्रद बना दिया। ये देखिए वो अपने आप समझ करके बोल, जो वैदिक धारणा जो वर्ण व्यवस्था उत्कृष्ट थी, मतलब उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान दिया हुआ था, आप उससे अलग हो जाने से आपको अलग मानते हैं इत्यादि व्यवस्था, जो जाति परिवर्तन की व्यवस्था जो आपको पहले आपने सुना है, ये सब व्यवस्थाएं थी, अब वो सब अभी नहीं चलेगा, अब आप उसको नहीं बना सकते, लेकिन लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको व्याख्या करके उपहासात्मक बना दिया, इसीलिए आजकल उसके बारे में कहने से लोग हंसते हैं या मानेंगे, सब खिलाफ बोल देंगे, क्योंकि उसकी व्याख्या करने में दोष आ गया, ये अपने आप मानते हैं, ये भी प्रथम खंड में वाक्य है। अब क्या है वहां की क्या विशेषता थी इसके बता रहे, व्यक्ति की दक्षता के आधार पर अपने वर्ण बदल सकता था, इसीलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार थी, ऐसी एक विशेष व्यवस्था थी वर्ण, जिसको शूद्रो ब्राह्मणता मेधि ब्राह्मण से शूद्रता क्षत्रिया जातम एवं विद्या वैश्य तथेव इत्यादि है, और आवस्तंभ का भी हमने वजन आपको पहले सुनाया था, जो जैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहते मतलब उस प्रकार से कर्म करेंगे, उनका ऐसा परिवर्तन होने की है, वो परिवर्तन की अलग व्यवस्था है, कई लोगों ने ऐसे परिवर्तन करके प्राप्त किए हुए, जैसे विश्वामित्र आदि के उदाहरण है, ये वाक्य वहाँ है, धर्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यम जघन्यम वर्णम आपद्यते जाति परिवृत्तौ, ये आप धर्म आप स्तंभ धर्म सूत्र का कहते हैं 2:11, 10 और 11 वचन, ये व्यवस्था पहले थी, अब ये व्यवस्था का कोई आधार नहीं। अब ये जो श्लोक बोलते हैं शूद्रो ब्राह्मणता मेधि ब्राह्मण से शूद्रता, इसका अभी आपको हम सुनाएंगे क्या क्या कर्म करने से, कैसे कैसे करने से ऐसे करने की व्यवस्था थी, वो ऐसा एकदम नहीं बदल सकता, उसके लिए नियम था कि वो उस धर्म को पालन करते हुए फिर कितने बार उसका परिवर्तन करते अलग अलग विवाह करेंगे इत्यादि नियम है, वो विवाह परिवर्तन से जन्म से करके उसको शुद्धिकरण करके फिर पांचवां जन्म में छठवां जन्म में सातवां जन्म में ऐसा विकल्प है उसको वो माना जाता है, 7 जन्म के बाद ऐसा माना जाता था, ये स्वाभाविक जो है वो मैंने जन्म से ही जेनेटिकली वो चेंज होने का वो प्रोसेस है, ये साइंटिफिक है, जेनेटिकली चेंज हो जाता, और बाकी जो तपस्या करके जो प्राप्त करने की वो अलग व्यवस्था, जैसे ऋषियों ने प्राप्त किया कावशेय आदि जो ऋषि है उन्होंने प्राप्त किया, विश्वामित्र है, बहुत सारे ऐसे प्राप्त, अभ्यास जी का भी हमने उदाहरण दिया, और वहां भी जो पिता है और माता है उसकी भी अलग अलग व्यवस्था है, मतलब बहुत जटिल है, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये परिवर्तन कैसे होता, केवल कपड़ा और रंग बदलने से करने से नहीं होता है,
वो ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो व्यवस्था तो अलग है, आध्यात्मिक में अलग बात है, आध्यात्मिक का तो ये अलग रखा है, लेकिन इसके अंतर्गत है ऐसा माना जाता है। आज भी समझ लो कोई भी जाति वर्ण का होता है, अभी हमारे जो जाति सर्टिफिकेट जिसके पास है, जाति सर्टिफिकेट मिलने के बाद में या पहले वो बदल गया अपने को बदल के दूसरे जाति का काम कर्म करता है, तो जाति सर्टिफिकेट उसका दिया जाता है कि पहले वाला जन्म का दिया जाता है। आप कुछ भी परिवर्तन करो, कुछ भी बदलो, वो सब करने में आप स्वतंत्र है, लेकिन सर्टिफिकेट तो जाति सर्टिफिकेट वही कास्ट का सर्टिफिकेट तो वही रहेगा जो जन्म से आपको हो। क्या हुआ, कहां परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन नहीं हो रहा, ये बोल रहे, ये परिवर्तन करने की व्यवस्था थी उसमें, वो उस प्रकार जा सकता था, नहीं कर सकता। अब हम जन्म की बात करेंगे, जन्म को कोई मानते नहीं आज, कई लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, अब नहीं मानने वाले कैसे जाने सकते, नहीं कर सकते। कई लोग यह श्लोक को देते हैं, लेकिन ये श्लोक जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, इसके पीछे दो श्लोक है, वो श्लोक देखने पर पता चलेगा कि ये कैसे होता है, और वहां भाष्य भी कहा है किस प्रकार वो करना चाहिए। वो अलग नियम है, शादी करने का, विवाह करने का अलग नियम है, ऐसा करके फिर होता है, वो फिर बदलेगा। यही यहाँ परिवर्तन, इसलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी, ऐसा स्वीकार्य वहां था, अब ये व्यवस्था यहाँ नहीं। इत्यादि अनेक वाक्य है, मैंने कुछ वाक्य आपको इसलिए सुनाया कि लोगों को समझना चाहिए, इसका भी विचार उन्होंने किया, विनय किया हुआ किया नहीं है, इसीलिए इसके अंतर्गत अभी हमारा संविधान इतने उच्च कोटि के है, पूरे दुनिया में हमारे संविधान को इतना मानते हैं। कारण क्या है कि सबको स्थान दिया और सबको साथ में लेके चलने की व्यवस्था इसमें है, ये गणतंत्र की दृष्टि से बहुत बढ़िया बना हुआ है। फिर भी उसमें भी कुछ विचार आते रहते, परिवर्तन के विचार आते रहते, जो भी है ये है। अब जो है हम कुछ मुख्य बातों पर और गौर करेंगे कि जिसको मैंने बताया था। एक तो ये बार बार आता है, ये आध्यात्मिक में जैसे भाष्यकार ने कहा ब्रह्मदासा ब्रह्म इमे कितवाह, तो उस स्थिति में यहां कोई भेद नहीं, उस स्थिति में कोई कानून नहीं, उस स्थिति में कोई वर्ण नहीं, जाति नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ न वर्णा आचार धर्म। तो भाष्यकार जब उस प्रकार की बात करते, उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेके बात करते हैं, वहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानते, मान नहीं सकते हैं, मानने की आवश्यकता है। और इसका भी प्रमाण आपको शास्त्र में मिलेगा, शास्त्र ने ही ऐसा कहा, जैसे आप बृहदारण्यक उपनिषद में देखा वर्णा सृष्टा ब्रह्मणा वर्णा सृष्टा कर्मार्थम, स्पष्ट कहा ब्रह्म के द्वारा वर्णों की सृष्टि कर्म के लिए की है, तो चादर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से गीता में भी कहा, ऐसे अनेक वचन मिलते हैं, वो तो अलग विषय हो गया, वहां हम आएंगे। उसमें जो कुछ बोला भाषिकार ने, जो कुछ निर्णय किया, ये सब इन शास्त्रों के आधार पर। अब हमारा विषय क्या है, ये दंड नीति का जो वाक्य यहाँ दिया कि वेद पढ़ने से उनको ऐसा दंड देना चाहिए, सुनने से ऐसा दंड देना चाहिए, ये जो किया, इस पर बोलते हैं कि वेद को लेकर के इतना क्यों बोला गया। ये मैंने कल समझाया था कि अब जैसे हमारे संविधान को लेके कोई संविधान में कहा हुआ उसके विरुद्ध में जाता है और उसको यदि निंदा करता है, ऐसे कोई करता है तो उनको दंड देंगे नहीं, दंड दिया जाए, उनको दंड का विधान है, ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है, यहां जो आचार्य है ब्रह्मसूत्र में हमारे पास दो आचार्य है, एक तो सूत्रकार स्वयं है और भाष्यकार है। ये सूत्रकार भाष्यकार क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, वे ऐसा कर रहे हैं कि वो कोई अपने पक्ष नहीं बता रहे, ये कोर्ट है, मैंने बोला ये एक न्याय का न्यायालय, कि हमारे ये शास्त्र में ये जो 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 बताया उसका निर्णय कैसा होना चाहिए, इस पर विचार कर रहा, विचार करके जो नियम सिद्ध है, जो
कानून है पहले से उसको मान करके चलो। अब ये ध्यान देखिए, अभी मैंने कल कहा था कि जैसे संविधान हमारे मूलभूत सिद्धांत है उस प्रकार वेद का स्थान है, ऐसा यदि हम समझने के लिए कल्पना करें, और बाकी जो धाराएं हैं, जो दंड नीति है, जो जो भी गलत करता है उसको दंड दिया जाता है, ये जो पुलिस का नियम और जो अन्य में है वो सारे जो है उसको संरक्षित करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया, वो सारे स्मृतियों में परिवर्तित हो गया, स्मृतियों के आधार पर चले, और स्मृतियां सारे अपौरुषेय होती, नहीं पौरुषेय होती, और जो स्मृति है वो अपौरुषेय है, इसीलिए उसका प्रमाण उसी में माना गया। अब समझ लीजिए कि एक कोर्ट है, कोर्ट में एक निर्णय देता, कई दिन तक जो है बहस चलते हैं, बहस चलने के बाद पक्ष विपक्ष दो होता है, उसके बाद दोनों का वकालत भी होते हैं, न्याय को लेकर के कई चर्चाएं होती है, होने के बाद में जज एक निर्णय देता। जज निर्णय कैसा देता है कि जज को जो अच्छा लगा, जज जो अपने अंदर से मानता है जानता है उसका निर्णय लेता है, अथवा जो बहस होने के बाद कानून के हिसाब से जो सिद्ध होता है उसका निर्णय देता है। निर्णय किसका देता है? कानून के हिसाब से जो सिद्ध हो गया उसका निर्णय दे सकता है जज। जज के हाथ में नहीं है कि वो अपनी इच्छा से कोई निर्णय दे, अपनी इच्छा से बात करने का नहीं है। आप जो निर्णय देते हैं वो कानून के दायरे में होना चाहिए, पहले तो संविधान के दायरे में होना चाहिए, उसके बाद में जो धाराएं हैं, जो अन्य कानून है उसके दायरे में होना चाहिए। अब उसको लेके जज एक व्यक्ति को फांसी का सजा देता, एक ने जुर्म किया उसको फांसी का सजा सुनाया, क्या कोई बड़े बड़े नेता है कोई, उसको जेल में डाल दिया। अब इसके लिए क्या जज के ऊपर कोई आरोप होगा क्या? जज ने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा है, ऐसा होता है क्या? और जज के ऊपर कोई केस लगेगा या कोई आरोप लगेगा, कुछ भी लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सभी जानता है कि जज अपने बुद्धि से अपने तरह से नहीं किया, जो जो वहां बहस में न्याय जो निकला है उस न्याय को विचार करते हुए वो न्याय के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए न्यायिक निर्णय, जज का स्वतंत्र निर्णय नहीं है। जज केवल एक माध्यम है, वो जानता है, वो कानून को जानता है, उसी के अनुसार उसका निर्णय देता है, वो एक माध्यम मात्र है, उनका अपना कुछ नहीं। अब समझ लो जज स्वयं वो निर्णय नहीं देना चाहता था, अंदर से उनको लगा कि ये नहीं देना चाहिए, तब भी वो नहीं कर सके। अब हो सकता है उनका कोई दोस्त हो सकता है, कई बार तो उनके जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोग ऐसे भी कई आपके पास केस मिलेंगे जो जज के अपने ही परिवार के या अपने ही भाइयों के लिए निर्णय देना नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप बाहर जाके देंगे तो आपको जज नहीं माना जाएगा, तब आप कानून का उल्लंघन करने का दोष आप पर लेंगे, समझ रहे हैं? अब यही यहां हो रहा, जो जज करता है वही काम वही ढंग से यहाँ आचार्य लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ विचार के समय न्याय को लिया जाता है। अब यहाँ जो भी दंड का विधान किया वो भाष्यकार ने सूत्रकार ने अपनी तरह से नहीं किया, ऐसा कहा गया है, ऐसा उनकी जगह दंड है, वो अन्य सूत्रकारों ने कहा है, उसको हमने कानून माना, जैसे आप अपने कानून को अभी कानून मान करके उसी के अनुसार दंड देते हैं तो जज पर या कोर्ट पर कोई कलंक नहीं लगता है, इसी प्रकार यहाँ भी नहीं लगता था, क्योंकि उस समय वैसा माना जाता था। अब लोगों को क्या है इस समय उसके बारे में जानकारी नहीं, पहले क्या माना जाता था, उसको कैसा चलाते थे, वो राजा के समय में कैसा होता था उसको मालूम है। यदि राजा के समय में आप जीवित होते तो आपको स्पष्ट ज्ञान होता कि ये इस प्रकार होते हैं, ये कोई गलत नहीं, क्योंकि कानून के अनुसार राजा भी ऐसे निर्णय देता, न्याय के अनुसार निर्णय देता, इसीलिए तो न्याय ग्रंथ बनाए गए। यदि न्याय के अनुसार निर्णय नहीं लेना था वो अपने अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता था, ये न्याय को बनाने की आवश्यकता ही,
कानून बनाने की क्या आवश्यकता, जैसा आपको मन में आया उतना नहीं ले, ऐसा नहीं कर सकते। अब इसकी परंपरा आप देखेंगे तो वेद से लेके जैसा आपने कल सुनाया वैसे ही बदल बदल कर क्या, ऐसा यहाँ निर्णय है, माने कोर्ट में जैसा निर्णय होता है ऐसा है। यदि ऐसा कोई निर्णय देने पर जज पर कोई आरोप करे, जज को मैंने गलत बताए, तो वो गलत, ऐसा नहीं करना। ऐसा यहाँ भी जो भाष्यकार ने वादन दिया या सूत्रकार ने कहा उनका अपनी तरफ से नहीं, वो छोड़ भी सकते थे उसको, लेकिन छोड़ नहीं सकते। कारण क्या है, सूत्रकार ने प्रतिषेधात बोल दिया, और प्रतिषेध कहाँ बोला है, कहाँ कितना प्रतिषेध दंड बोला है उसको लाना पड़ेगा, लाए बिना आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो किसको लेके सूत्रकार कह रहे हैं वो कहना पड़ेगा इस दृष्टि से। इसीलिए दंड नीति होने के कारण अन्य अन्य जो दंड नीतियां है, दो चार उदाहरण देंगे आपको मालूम होने के लिए कि ऐसे दंड नीति पहले थे और अब वो नहीं है, दंड नीति का परिवर्तन होता रहता है ना, वो पहले था जो था वहां था, अभी वो नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग है, बहुत विस्तार है इतना मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा दो चार दे देंगे नमूना के। गोषु ब्राह्मण संस्थासु छुरीकायास्त भेदने पशूनाम हरणे चैव सत्य कार्यो अर्थपादिका, दंड विधान कर रहा क्या जुर्म करने के लिए क्या दंड है देखिए। गोषु ब्राह्मण संस्थासु, गायों को चुराने पर या गायों के ऊपर कोई हत्याचार किया तो एक छुरीकायास्त भेदने, गाय के नाक है ना, नाक में छेद करने पर, बैल को कर सकता है गाय को नहीं करना, तो छुरी गाय आकर छेद ले, इसको छेद कर ले। पशु नाम हरणे, दूसरे के पशु को चोरी करने पर, कहीं मतलब चोरी किया पशु हरण करने पर, सत्य कार्यो अर्थपादिका, उसी समय उसका आधा पैर काट देना चाहिए। अब आप इनमें से कोई भी एक आज ये कोई लागू होगा क्या, उसी समय सत्य है अर्ध बाधेगा, आधा पैर काट देना चाहिए, ऐसा कहा, कितना जोर का बोला, ये दंड है। ये आपको मनुस्मृति में आठवां अध्याय में 325वां श्लोक है। तो अब वो वहां उस समय ऐसा कहा है करके, इस समय हम गाय को तंग पहुंचाने वाले का कोई किसी का पैर काटा हुआ आपने सुना आज तक, गाय को मारने से मार करके मांस खाने से तो नहीं काटता है, तो वो फिर कुछ चलता रहता है, और ये नाक छेद करने से सभी लोग नाक छेद करते हैं, उनको यदि पैर काटने लगेगा तो ये है उस समय की स्थिति। अब वो कैसे आप समझ सकते हैं, पशु ना हरणे, पशु को चोरी करना, आपको लगे पशु को चोरी करना इतना बड़ा क्या, अब हमने एक क्या बकरा को चोरी किया तो क्या हुआ, कई प्रकार के चोरी होते मार देते हैं, तो वो नहीं होता है, वो जमाना अलग है, उस समय उतने शक्ति से होते थे, इसके कारण दूसरे का संरक्षण करना, दूसरे को कहीं भी हो लेके जाना होता था, अर्धवादी का आधा पैर काटने को का, तो आधा पैर किसी को काटना कोई छोटा काम नहीं। और दूसरे व्यक्ति देखिए, ये ना ये न यथांगे न तेनो नृषु विचेष्ट दे तत्तदेव हरे तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव, राजा को वो करना चाहिए जो व्यक्ति जिस अंग से कोई सेन कार्य करता है, सेन मतलब अलग अलग प्रकार की चोरी होते हैं, तो वो करेंगे तो उसको उसी अंग से उसी अंग को काट करके छोड़ देना, ये दंड देना चाहिए। ये भी आठवां अध्याय का 334 श्लोक है, ठीक है। तो वो अभी ऐसा करेगा, चोरी होने के बाद में चोर यदि पकड़ा भी गया तो उसको पहले जेल में डालेंगे, वो कई साल तक जेल में पड़े रहेंगे, केस चलता रहेगा, और बाद में इधर उधर जैसा भी करके वो बाहर निकलेगा, कभी नहीं भी निकलता है तो भी ये दंड उसको नहीं मिलेगा। आज तक हमारे भारत में ऐसे किसी को काटा नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों में बहुत जगह ऐसा है कि आप जिस अंग से जो जुर्म करते हैं उसी अंग को काट दिया जाता है, इसलिए आप वहां जाके देखेंगे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वहां चोरी होती ही नहीं है, आप वहां कोई चीज पड़े हो वहां पड़े रहे, उठाएंगे नहीं, हिम्मत नहीं करेगा कोई उठाए, नशा करने पर जुर्म क्या, नशा करने पर जेल में डाल दिया जाता है,
तो ये है, मतलब अनेक राज्यों में आप नेट में सब देख सकते कहां कहां कैसे कैसे होते, कितने खतरनाक होते। और ये देखिए इसका मूल मिलता है, मनु ने उस समय कहा है ऐसा करना चाहिए। अब ये मनु के ऊपर दोष है क्या? यदि मनु के ऊपर दोष बोलेंगे तो जगदी के ऊपर दोष बोलने जैसा है, ये तो दंड है। यदि ऐसा करेंगे तो व्यवस्था ठीक चलेगी, ठीक चलेगा तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, अपने पशु को चारा के लिए छोड़ सकते हैं, वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यदि ऐसा रहेगा तो डरेगा। अच्छा, और बोलते हैं कि अब ये स्थिति कभी कभी आ जाती है, राजा के अपने ही लोग हो जाते तो क्या करना चाहिए, उसके लिए बोल रहे हैं। पिता आचार्य सुग्रत माता भार्या पुत्र पुरोहित ना दंड्यो नाम राज्योस्ति धर्मे न तिष्ठति। कहते हैं जो धर्म में नहीं रहता, इन नियमों का पालन नहीं करता, मनमानी चलता है, वो राजा को कुछ नहीं देखना चाहिए। यदि राजा यदि शासन करना चाहता है, अच्छे शासक है, तो वो पिता भी हो यदि गलत करता है दंडित करना चाहिए, आचार्य भी हो गलत करता है दंडित करना चाहिए। यही वाक्य को कृष्ण भगवान ने द्रोणाचार्य के खिलाफ अर्जुन को बोला था, श्री कृष्ण को बोला था। यदि ऐसा आददाई कहते, आददाई किनको कहते हैं बात है, ये आददाई न आया ना हमारे भगवत गीता में, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो आददाई होने के कारण ही सब कुछ किया, वो आददाइयों को करने का विधान शास्त्र में है। और लोगों को मालूम नहीं, लोग बोलते क्यों लड़ाई करना था, क्या जरूरत था, ये सब हो गया। आचार्य को कैसे मार दिया, पितामह को कैसे मार दिया। अब पितामह जिनको मार के गिराया वो क्या बोल रहे हैं आप शांति पर्व में सुनना, कि तुमने ये ठीक कर दिया, क्योंकि तुम ये करने से ही वो नीति बने रहेगी और तुमको ही गिराना चाहिए। अर्जुन को स्वयं विष्णु पितामह कहता है कि तुम थोड़ा बाकी जो भी करेंगे, कोई क्या अस्त्र भेजेंगे तो मैं कुछ होगा नहीं, तो जो भी करना है तुमको करना है, ऐसा अर्जुन को बुला के विशेष बोलता। तब अर्जुन वार करता, वार करके गिरा देता है। ये है उस समय की नीति है, क्योंकि वो दंड दिया हुआ लोगों को दिखना चाहिए ना। अब राजा अपने पिता को दंड नहीं देंगे, आजकल ये बात चलेगी क्या? आजकल यदि बोलेंगे ये जितने बड़े बड़े बने हुए हैं सब उनका परिवार को आप कुछ बोलेंगे या आपको उनका दंडित करने की कोशिश करेंगे, विरोध करता है, फिर भी दंड हो रहा होता है, क्योंकि नियम बता रहे आप किसी को बचा नहीं सकते। तो ये राजा के लिए इतना सख्ती से बोले। और जो विशेष बात ये, पहले जमाने में सबको समान दंड नहीं होता, दंड में विभाजन था। वो विभाजन कैसा था, यह भी वर्ण के आधार पर था। आजकल क्या है, कोई भी कुछ करेंगे सबको समान दंड है। यदि वो पढ़ा लिखा किया है या अनपढ़ ने किया है कुछ नहीं, अब गलत किया है तो समान दंड होगा, समान दंड की व्यवस्था। किंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा था, यदि जुर्म किया हुआ व्यक्ति कोई अनपढ़ है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, कोई शायद से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति है तो उसको कम से कम दंड होता। वो जानता नहीं है, ज्यादा उनको जानकारी नहीं, गलती हो गया अपने स्वाभाविक कारणों से, कोई किसी को मार दे। लेकिन वो जैसा जैसा पढ़ा लिखा होता है, जैसे जैसे पदाधिकारी होता है, जितने ऊंचे ऊंचे पद में है, जितने ज्यादा ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, शिष्ट ज्यादा है, तो उसको सबसे ज्यादा दंड होता। और ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। यदि सबसे ज्यादा जानकार, सबसे पढ़ा लिखा हुआ आचार्य बने, बड़े जो अभी आजकल जितने भी जेल में पढ़े सब पढ़े लिखे हो, बहुत बड़े बड़े सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के बहुत बड़े बड़े डिग्री है, पूरा देश विदेश लोग पूरा जानता है, ऐसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति है तो उनको सबसे ज्यादा दंड होना चाहिए। और ये इसीलिए सही है कि वो ये क्या है, सबसे ज्यादा दंड इसलिए देना चाहिए कि ऐसा देने पर दूसरा लोग सीखेगा, और जो पढ़ा लिखा ज्यादा होता है वही बचने के लिए ज्यादा कोशिश करता है, इसलिए ऐसा कहा गया। क्योंकि वो उच्च पद में था, उसको सबको ऊपर पकड़ है, सबको अपने वश में करता है, पैसा के द्वारा लोगों को वश में करेगा, वो उससे बचने की कोशिश पूरी करेगा और कभी वो बच भी सकता है, तो ना बचे। इसीलिए जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, सबसे ज्यादा पद में रहता हो, बड़ा पद में रहता होगा, तो उसको सबसे बड़ा दंड मिलेगा, तुरंत कार्रवाई, क्योंकि उसको कोई वाद विवाद में मतलब ले जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध हो गया,
इतना सब कुछ होता हुआ जानता हुआ आप गलत किया, इसीलिए इस दंड क्रम में चोरी आदि के दंड क्रम में ब्राह्मण को सबसे बड़ा दंड मिलता, सबसे ज्यादा। क्यों? ब्राह्मण सबसे ज्यादा वेद को पढ़ने वाले, वो आचार्य है, सबको सिखाने वाले, उपदेश देने वाले, वो स्वयं ऐसा कर रहा है, तो उनको दूसरे का समान थोड़ी देखेंगे जो नहीं पढ़ा हुआ। तो जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको सबसे कम दंड। देखिए कितने सुंदर व्यवस्था। और ये आजकल चलेगा क्या? आजकल ये बात आप कर सकते हैं? तो आप फिर क्या करते हैं कि वहां के लेकर के यहाँ मिलाते हैं, यहाँ के लेकर के वहां मिलाते हैं, ना वहां का ठीक समझ है ना यहाँ का ठीक समझ है, तो गोलमाल करके आचार्य ऊपर आरोप लगा दो, इन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, ये वो क्यों कर रहा है। मैंने कई बार बोला वो कोई उद्देश्य नहीं है, आपस में झगड़ा पैदा करना है, झगड़ा पैदा करने से उनको पैदा होता। बाकी ये सब पहले मान्य थे। ऐसी देखिए अष्टपाद्यम तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल विषम, षोडशैव तु वैश्यस्य, द्वात्रिंशं क्षत्रियस्य च, ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णं वा शतं भवे, द्विगुणा वा चतुष्षष्टि सत्त दोष गुण वृद्धि। ये भी आठवां अध्याय का है कि वो चोरी करने के विषय में बोलता। एक चतुर्थ वर्ण व्यक्ति ने चोरी किया, उसको तो अष्टपाद्य उस समय के पैसा समझ लो, वो जो भी है आठ देना चाहिए वो, और जो वही चीज वैश्य किया तो उसका डबल हो जाए, क्योंकि वैसा और थोड़ा जानकार होता है, ऐसा और उनका व्यापार व्यवसाय है, तो वो उसको षोड़श कर आठ का डबल कर। फिर क्षत्रिय हो गया तो उसका भी डबल, और ब्राह्मण हो गया तो उसका भी डबल। और बोला ब्राह्मण को सबसे ज्यादा क्या डबल क्या करना है, 100 रुपया पूरा लगाना था, उस समय 100 रुपया की बात कर, सौ सोना जो भी होता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जानकारी की वृद्धि होती है दंड की भी वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा कहा। ये अब ये विशेष है, और ये चोरी में क्या क्या आता है ये सारा विस्तार है। ये आपको एक आइडिया मिल गया कि क्या है, कहीं किस प्रकार होता था, और किस प्रकार हम यहाँ विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार हम इसको नहीं समझ रहे, इसका कारण क्या कि पहले की नीति का ज्ञान हमको नहीं। अब एक बात जो है, आप लोग भगवद गीता आदि पढ़ते हैं तो ये आदताई कौन कौन होता है, आदताई होने पर इधर उधर देखने का देखने की जरूरत नहीं, उसको तुरंत जो दंड का विधान शास्त्र में लिखा है, मतलब कानून में लिखा है, उसी के अनुसार राजा को तुरंत दंड देना चाहिए, आदताई कोई भी होगा। तो ये क्या बोलते हैं, गुरुम बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वहुश्रुतम आददायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन। ये भी आठवां अध्याय का 350 अब ये अभी लागू नहीं होगा, अभी आजकल ऐसा आददायी देखा जाए तो बहुत सारे आददायी मिल जाएंगे आपको, होता नहीं। आददायी होता हुआ गुरु हो, या मैंने राजा के गुरु समान हो, कोई बालक हो, वैसा अन्यत्र कहा है बालकों को 6 साल के पहले उनको कुछ दंड नहीं दिया जाता है इत्यादि कहा, वो तो आपने पहले बताया, इसके बाद की बात करें, बाल मन इसके बाद की बात। वृद्ध हुआ, बहुत बुजुर्ग हो गया, अब ये भी कहा है 80 साल कितने साल के बाद में बुजुर्ग होने के बाद फिर दंड में भेद होता है, क्योंकि बुजुर्ग हो गया कुछ ऐसे किया तो होता है, उसका भी विशेष विधान विस्तार से है, ये तो अलग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे देखना है। तो बाल वृद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, बहुश्रुतम बहुत पढ़ा लिखा हुआ ब्राह्मण, ऐसा होता हुआ भी यदि वो आददायी बन जाता है तो उसको दंड देना। दंड क्या है? हन्यादेव अविचारेण, बिना विचार के कोई केस चला करके बाद में जेल में लेकर के उसको खाना मिला करके बाद में मारना नहीं, अविचारेण हन्यादेव अविचारेण, केस सिद्ध हो गया तो जुर्म सिद्ध हो गया तो तुरंत कर देना। अब ये आददायी कौन है, उनका डेफिनेशन है आददायी का, वो अध्याय में आगे आया है। अग्नि तो करदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेते यादतायिनः। देखिए इसमें से कोई भी आज मान्य नहीं है। अग्नितः, अग्नि माने कोई घर को जलाता है, किसी का घर को झगड़ा हो गया, एक घर को दूसरे ने जला दिया, तो घर को जलाने वाले को आददायी कहते। ये पांडवों ने किया, कौरव ने किया, पांडवों का घर ले जलाया, लाक्षा गृह में लेकर के उनको मार के करने की कोशिश की, 2 बार कोशिश किया, तो वो इसी के कारण आददायी हो गए, इसीलिए भगवद गीता में आददायी शब्द का प्रयोग किया।
ये आजलाई ने बोला ना, इसके कारण है। तो वो घर को जलाने वाले आजलाई उठे, और गरदस्त चैवा विष देने वाले, किसी को विष दे के मारने वाले आजलाई होते, वो भी किया, गौरव ने विष दिया, वो भी कितने बार कोशिश किया, तो वो भी आजलाई होते। फिर शस्त्र पाणी ही अशस्त्र, जिसके पास शस्त्र नहीं है, दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही, एक के पास शस्त्र है बंदूक है, दूसरे के पास बंदूक नहीं है, तो बिना शस्त्र वाले को यदि मार दिया जाता कोई, वो भी आदलाई होता, वो सामान्य हत्यारा नहीं है वो, तो अशस्त्र वाले को मारने वाले शस्त्रधारी वो भी आदलाई होते हैं, उनको भी मार देता, ऐसा भी किया उन्होंने कौरवों ने, बहुत किया। और धनापहः, किसी के भी धन का हरण करने वाला, ये धन मैंने किसी भी प्रकार का धन होगा, भू धन है और सोना आदि चांदी आदि किसी भी प्रकार का धन होगा, धन का अपहरण करने वाला आदलाई। फिर इसी प्रकार क्षेत्र अपहार, क्षेत्र का अपहरण करने वाले, ये खेत आदि का अपहरण करने वाले, एक का खेत को दूसरे ले लेता है। और दारा, स्त्रियों को, स्त्रियों का अपहरण करने वाले, अब स्त्रियों का अपहरण करने वाले को आजकल क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसको केस चलता रहता है, कुछ करता है, और फिर बाद में जो है वो दया पर छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए इतना जुर्म हो रहा है। वो यहाँ कहा कोई ऐसा श्रीहरण किया तो उनको तुरंत आददायक घोषित करके मार देना चाहिए, ऐसा भी गौरव ने किया, बहुत सारी स्त्रियों का हरण इत्यादि क्या क्या किया। ये षड़े देही आददायी, ये छह प्रकार के आददायी माने हैं, ये तो मनुस्मृति के अनुसार है, अन्य स्मृति के अनुसार और भी है, छह ही गिना है, राजमल की स्मृति आदि में और भी माना, तो ये सब तत्त्व विशेष इसमें कहा गया, आददायी के इसमें कहा। ये जो आठवां अध्याय है मनुस्मृति का, आठवां अध्याय में 350 परदारा अभिमर्शेषु प्रवृत्तान नृन महीपति उद्वेदन करैर दंडे छिन्नयित्वा प्रवासी। अभी बलात्कार की बात करते, कोई स्त्रियों पर बलात्कार करता है, आजकल बलात्कार का तो बहुत कुछ चल रहा है, तो करता है तो क्या करना चाहिए, उस समय की बात है, मतलब इतने हजारों हजारों साल पहले की बात है। परदारा अभिमर्शेषु प्रवृत्तान नृन महीपति, राजा को ये करना चाहिए अन्य स्त्रियों पर यदि बलात्कार आदि छेड़छाड़ कोई कुछ करता है तो उसको उद्वेदन करे दंड, उसका हाथ उठा करके तुरंत उस हाथ को छिन्नयित्वा काट करके फेंक देना चाहिए, और काट के फेंक के नहीं फिर उसको राज्य में रखना भी नहीं चाहिए, उसको राज्य से बाहर करना, इतना सख्त था उस समय, इसीलिए लोग डरते थे, और ऐसा जुर्म नहीं होता था और बिल्कुल चलता था, करने वाले को उसका दंड मिलेगा, ऐसा ये इस प्रकार है। और उसमें भी बहुत कुछ विस्तार है कि किसको बलात्कार में क्या क्या मानना चाहिए, वो भी विचार करना चाहिए, वो पहले से जानती है कि नहीं जानती है, परस्पर जानते हैं इत्यादि, तो अलग है विस्तार, लेकिन सामान्य तो ये नियम बताया। तो ये मैंने कुछ दंड विधान को आपको समझाया कि ये दंड विधान में कितने सब कुछ होता था इसको दिखाने के। हाँ, और वर्ण संघर के विषय, वर्ण संघर तो बहुत बड़ा दोष माना गया, वर्ण संघर को दोष क्यों माना गया मैंने एक बार आपको सुनाया, वर्ण संघर को इसलिए माना गया कि वर्ण संघर होने से मूल धर्म हमारा नष्ट हो जाता, वर्ण संघर में धर्म व्यवस्था नहीं हो पाए, इसलिए वर्ण संघर को दोष माना गया। वहां कोई मानसिक तौर पर या आपस में संबंध इत्यादि नहीं, वो कौन किससे विवाह कर सकता है, वो कैसा करना है, ये तो नियम है, उसके अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा उसमें नहीं माना जाता। और जितने भी वर्ण संघर हो गया, उच्च वर्ण के साथ नीच वर्ण का या उच्च वर्णों में भी आपस में यदि हो गया तो सारे को वर्ण संघर में ही माना गया, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण में हो गया होगा, या ब्राह्मण वैश्य में हुआ होगा, वैश्य और शूद्र में हुआ हो, या शूद्र और ब्राह्मण में हुआ हो, किसके किसके भी हुआ हो, उसको वर्ण संघर में ही माना गया है, वो सारे नीच जाति में जाते, उनको कोई नहीं मिलता। कारण क्या है, ऐसा समाज में इसलिए नहीं दिया गया कि उसको आगे नहीं बढ़ाने के लिए, यदि ऐसा दिया जाएगा तो फिर आगे वो करते रहेंगे,
जैसे आजकल इसका कोई है ही नहीं, आप वर्ण संग्रह करने से उसके बारे में कोई कानून तो है ही नहीं, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए जो जैसा आप करना चाहते कर सकते। अब धर्म के धर्मांत दूसरे धर्म के साथ विवाह कर सकते, दूसरे वर्ण के साथ कर सकते, कैसा भी कर सकते, उसमें कोई है नहीं। ये भी उसके लिए भी बहुत बहुत कुछ वहां दंड का विधान है ऐसा करने पर। इसीलिए कहा है नश्येत्री दंडनीदौ हताया, इसीलिए दंडनीति नष्ट होने पर, दंडनीति ठीक से नहीं होती है तो फिर वेद की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, और सब अपने को असुरक्षित अनुभव करेंगे और सबको डर लगेगा, और जो जो जैसा प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त नहीं होगा, और जुर्म करने वाले भी, दोष अपराधी भी अपने आप स्वतंत्र घूमते रहेंगे, और जो राज्य में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, शांति समाधान होनी चाहिए, तो वो नहीं होगा, और शांति समाधान सुरक्षित आप अनुभव नहीं करेंगे तो आगे आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अब व्यवस्थित हो जाएगा, खाली पैसा होने से, इतना होने से नहीं चलेगा। तो ये है व्यवस्था। अब ये व्यवस्था के आधार पर जो जिसके लिए वेद का मंत्रों का उच्चारण नहीं करने के लिए शास्त्र ने कहा, उसको उच्चारण करने से ऐसे ही अब गलत किया तो गलत का दंड भी डाला, इस प्रकार से अलग अलग विधान से दंड दिया जाता, अलग अलग स्तर पर दंड। यही रखते हैं, आगे जो है ये धर्म में आचरण के विषय में क्या क्या आचरण कहा गया है, सामान्य जो जिनका विशेष करके चतुर्थ वर्ण के लिए क्या क्या आचरण किया कहा है, और इतिहास पुराण को भाष्यकार ने यहाँ प्रमाण दी के रूप में दिया है, और इतिहास पुराण में क्या क्या कहा, तो ये एक दो बात को छोड़ करके बाकी सब के लिए व्यवस्था, सबको सब कुछ दिया, केवल आप ये मंत्रों को इस प्रकार नहीं पढ़े, इतना बोलने से उसको बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि वहां उतना अलग, बाकी जो कुछ दिया गया है उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं, और जो दिया गया है उसमें से कम 10% भी देने से सब लोग तृप्त रहेंगे, और इसलिए तृप्त थे, ऐसे कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी बना दिया गया है, ऐसे अलग अलग करके बना दिया। अब व्यवस्था होगी, हो गई तो ये दोनों अभी मिला हुआ है, कुछ समय तो आप वर्ण को देखते हैं, कुछ समय नहीं देखते हैं, कोई कार्य में वर्ण देखते हैं, कोई कार्य में नहीं देखते हैं, कोई कार्य में जाति देखते हैं, कोई कार्य में नहीं देखते हैं, तो ये सब उथल पुथल हो गया, कहाँ देखना कहाँ नहीं देखना कुछ पता।